हाँ जी, सत श्री अकाल किसान वीरो, स्वागत है तुहाडा मालवा फार्म इनफॉर्मेशन चैनल पर। सो अज आप गलबात करते हैं एन पी के बारे तो बरोन बारे कि किस स्टेज पर कदों आप छिड़का कर सकते करना या ना, तो इसका की काम हों, इस विषय पर गलबात करते हैं। जोड़े नवे वीर जुड़े ने चैनल के नाल, चैनल में सबसक्राइब कर लो, तो नाल लगता जोड़ा बैल आईकोन वो जरूर दबा लो, तो जो आने वाली वीडियो के साथ जुड़े रह सको। सो आपां एक शानदार फसल चाहिए होंगी आ जिदा के वधिया बंपर झाड़ हो, आपां एक होर चाहिए होंगे क्वालिटी, क्योंकि जेकर क्वालिटी वधिया हो प्रॉपर भारी दाने होणगे फिर झाड़ दे उत्ते जिहड़ा जिवें आपां कहते हैं यकीन कर सकते हैं कि अपना झाड़ आ फसल का बहुत वधिया निकलू। सो वो किवें आपां झाड़ लै सकते हैं चंगे तरीके दे नाल, क्योंकि एक टाइमिंग हुंदी आ किसान वीरो किस टाइम ते की आपां ने करना। एक तां आपां करदे हुंदे आ उल्ली नाशक फंगीसाइड, बाकी करदे आ आपां इनसैक्टीसाइड, ते उस तों बाद खास जिहड़े मेन जरूरी आ जांदे ने एन पी के, जिहड़े कि आपां नूं जिवें कि बरोन आ गया 13045 आ गया, 05234 आ गया, ये आ जांदे ने, जा होर भी 19 आ गया। तो आप हुण इस टाइम ते किहड़े कर सकते हैं किसान वीरो, क्योंकि जिहड़ी हुण झोने की बासमती की जिहड़ी स्टेज चल रही है, इस स्टेज के उत्ते आपने की करना किसान वीरो, जिहड़े वीरां ने तां पोटास पहलां पाई आ ठीक आ, अदरवाइज पोटास पाई नहीं तां जरूरी आ, जेकर पाई आ तां भी तुसीं छिड़काव कर सकते हो, क्योंकि जिहड़ी पोटास आ किसान वीरो यह एक ट्रांसपोर्ट का काम करते होंगे, जिन्ना भी मटीरियल आपने पहला झोने अपने देता तो उसनों दाणिया तक पहुँचा सारे आप कह दिए कि फसल के डिवाइड करना इधर उधर लेके जाना, कहने का भाव कि जिहड़ी पोटास आ वो एक ट्रांसपोर्ट का काम करती है, तो ट्रांसपोर्ट उही चीज़ के जिहड़ी खुराक आ जड़ां दे विच खुराक पई आ, आपां इस जगह पर आपां खुराक दे जाने रहने, उस तो बाद इन्हें उपर लैके जानी होंगी अपने दाणिया तक, तो जो दाने बनगे दाणिया के भार होगा, दाने स्वस्थ होणगे, क्वालिटी हो, तो अपना झाड़ ऑटोमैटिकली वधिया होना ही होना। तो हुण कर की सकदे आ किसान वीरो, एक तो आप डोज की गल करिए, खास करके किसान वीर गलती कित्थे कर जांदे आ, जिहड़ी बरोन आ उहदी मात्रा जिहड़ी वह काफ़ी ज़्यादा पा लैंदे आ, कई बार की होंदा किसान वीरो उहदे नाल नुकसान भी हो जाता, अपने जिहड़े पत्ते ने गे वह भी बर्न हो जाते हैं, जेकर आप ज़्यादा डोज पाईए कहता वा ओवर डोज पाईए, तो पाउनी कि 70 तो ला के 100 ग्राम तक पा सकते हैं किसान वीरो, इस तो वध जेकर तुसी डोज दोगे हो सकता ना नुकसान हो, वैसे चांस वध हुंदे कि उहदा कोई खास फायदा नहीं होना, अपना उल्ट नुकसान हो जाता। उस तो अगली गल ये होगी बरोन की डोज की, तो अगली गल आ गई 13045 या 05234, ये दोनों दे विच्चों आपां कर, क्योंकि जिहड़ा 13045 आ किसान वीरो उहदे विच नाइट्रोजन भी आ ते पोटास भी आ, ते जिहड़ा 05234 आ उहदे नाइट्रोजन की जिहड़ी डोज आ मात्रा की वह बिल्कुल नहीं, पोटास आ इहदे विच ते फास्फोरस आ। तां हुण तरजीह किहनूं देनी आ, खास करके जेकर 05234 दा आपां छिड़काव करिए इस स्टेज ते आके, तां आपां नूं ज़्यादा बेनीफिट मिल सकदा गा झाड़ ते उपर देखण नूं, क्योंकि इस बार की आ किसान वीरो तुसीं देख सकदे हो मालवा खेत्र दे विच खास करके होर भी कुछ एरिया दे विच जिहड़ा इस बार गर्मी आ उह काफ़ी ज़्यादा पै रही आ, ते जिहड़े झोने इन्हां दिनां दे विच PI स्टेज ते ने जां नसारा लैन लग रहे ने, तो उन्होंने वरायटियां उपर उस किस्मों के उपर गर्मी का जोड़ा नुकसान आ वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता, इस करके इस बार जरूरी है कि आप 05234 वगैरह छिड़का जरूर करिए, भावें पोटास आप पहला पाया ज नहीं पाया वो एक वक्री गल, जेकर नहीं पाया फिर तो बिल्कुल 100% जरूरी है, जेकर पाया तो कुछ हद तक सर सकता, पर जेकर तुसी हुण 05234 का छिड़काव करते हो तो थोड़ा झाड़ पक्का वधेगा ही वधेगा, एक अपनी आप जिवें कह दिए कि यह जरूरी हो जाती है कि इस समय पर आपां डोज देनी पोटास की, क्योंकि पोटास आ जिहड़ी गर्मी तो भी बचाउंदी आ, जेकर ज़्यादा गर्मी पैंदी आ तां दाणियां दे उत्ते खास असर नहीं पैंदा, जेकर अपने खेत दे विच पोटास जां आपां फसल नूं पोटास दा छिड़काव कीता तां, ते जेकर
ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਹੁਣ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਗੋਹ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਪੱਤਾ ਲਵੇਟ ਸੁੰਡੀ ਵਾਲੀ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ 0-54 ਤੇ ਬਰੋਨ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।